हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइट पे लेआउट कैसे करना है। ठीक है, अब बिल्कुल लैंड सरफेस है, आपको बिल्कुल इनिशियल से लेआउट करना है। उसके लेआउट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, वही बताऊँगा मैं आपको। लेआउट करने के लिए आपको सबसे पहले राइट एंगल डायगोनल बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जैसे कि आप कॉल फाउंडेशन का लेआउट करना है आपको, जैसे आउटर से आउटर बिल्कुल लेआउट करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, आपके पास ड्राइंग होगी फुटिंग की, ये फुटिंग की ड्राइंग होगी आपके, देखा, ठीक है, ये डिटेल ऑफ फुटिंग, ठीक है, इसमें फुटिंग की ड्राइंग होगी आपकी आपके पास, तो ये स्टडी कर लेनी अच्छे से। ये फुटिंग की ड्राइंग होगी क्या होगी, इसके आउटर सरफेस, ठीक है, इसके लेंथ पे। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, जो आपको लेआउट करना है बिल्डिंग का लेआउट करना है फाउंडेशन के लिए, फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है, और या फिर आप ब्रिक वर्क ले सकते हैं, एक मकान के लिए या भी घर के लिए उस सब, ठीक है। वीडियो कंप्लीट पूरा देखिएगा, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नसीबल ग्रुप का नेम है CE&T, ठीक है, यूट्यूब चैनल जो है। इस चैनल में बहुत सी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल साइट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइट वर्क के लिए एंड बिलिंग बीओ की जो बिलिंग बनाते हैं, बिलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ। तो एक्सपीरियंस जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाउंडेशन फुटिंग के लिए आपके पास ड्राइंग है, ठीक है, वो ड्राइंग को सबसे पहले अच्छे से स्टडी कर लेनी है। उसका बेस ले लेना है आपको, बेस क्या है आपके पास, आउटर डायमेंशन ले लेना है, लेंथ और ब्रेथ, उसका डायमेंशन ले लेना है आपके पास। डायमेंशन लेने के बाद आपके पास उसका ये होना चाहिए ऑफसेट। ऑफसेट क्या है आपके पास, जो भी ये आपकी जो साइट है, आपकी बिल्डिंग वर्क है, आपका जो बिल्डिंग का साइट है, आपको एक्सकवेशन करवाना जो है यहाँ से, जैसे बाय द वे ड्रेन है यहाँ पे, ड्रेन से ये साइट आपकी कितनी दूरी पर है, उसके बाद यहाँ पे कोई बिल्डिंग है या फिर उस बिल्डिंग से ये आउटर सरफेस आपका जो बिल्डिंग का है ये कितनी दूरी पर है, तभी आपने पूरा आउटर सरफेस ले लेना है, ठीक है। उसका ये आपका ये पॉइंट आ गई, तो टोटल लेंथ आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ आ गई है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सकवेशन करना है, कटिंग करनी है। उसके बाद फिर अपने थर्ड पॉइंट के आपके पास जो ड्राइंग है, आपके पास आउटर सरफेस तो है, आपके पास अब कटिंग करनी है। आपको ये देखना है ये फुटिंग हमारी जो यहाँ पे ये कॉलम है, ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये फुटिंग है, फुटिंग जो ये कॉलम है आपके पास, ये रिटेनिंग वाला है, ये कॉलम है, ये रिटेनिंग वाला आपके पास आउटर सरफेस है, बेसमेंट की ड्राइंग है, ठीक है, ये आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस से हमारे पास इस कॉलम से ये फुटिंग हमारी कितनी एक्सटेंड हुई है चारों तरफ, उसके पास आपके पास ये ड्राइंग होगी रिटेनिंग वाल, ठीक है, ये आउटर रिटेनिंग वाल हो गई आपके पास बेसमेंट के लिए। उसके बाद ये रिटेनिंग वाल, इस रिटेनिंग वाल से आपके पास आउटर सरफेस लेंथ है, लेंथ के बाद आपके पास ये फुटिंग कितनी है और ये कितनी है, उसके बाद PCC का है, आपकी जो PCC होगी उसका एक्सकवेशन से थोड़ा एक्सटेंड, थोड़ा हल्का, थोड़ा ज़्यादा ही लेना, ताकि मिट्टी जो कटाई है ना दोबारा नीचे ना गिरे उसके, ठीक है। अपने फुटिंग ये तो आपके पास है टॉप सुपर स्ट्रक्चर का है ये, अब आपको पास लेना है सब स्ट्रक्चर क्या है, बिलो ग्राउंड लेवल सब स्ट्रक्चर का आपको लेआउट करना है, एक्सकवेशन करवाना है बिल्कुल सरफेस लैंड पर। उसके लिए क्या करना है, आपके पास सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर के बाद सब स्ट्रक्चर लेने के लिए आपके पास ये फुटिंग आपके पास एक्सटेंड हुई है, ठीक है, फुटिंग कितनी हुई है, सपोज़ कीजिए ये लेंथ है एंड ये ब्रेथ है, ये 5 मीटर है, 5 मीटर के बाद आपके पास सपोज़ कीजिए 1 मीटर दोनों बोथ साइड एक्सटेंड हो गई है, 5 प्लस 2 इक्वल टू 5 टू 7 मीटर। उसके बाद PCC 4 इंची मिनिमम सपोज कीजिए 7 मीटर प्लस लेंथ क्या हुई हमारे पास 0.20 सेंटीमीटर,
बोथ साइड, दोनों साइड में आपके पास 0.1 0.1 PCC का जो हुआ है एक्सटेंड हुआ है, तो टोटल लेंथ एंड ब्रेथ आपके पास क्या है 7.20 ब्रेथ। और सपोज़ कीजिए ये 2 मीटर है, तो 2 + 1 + 1 + 0.20, तो 7.20 + 3 4.20 आपके पास लेंथ ब्रेथ की एक्सकवेशन की लेंथ और ब्रेथ आ गया। आपका जो बेस है आपके पास लेंथ और ब्रेथ का आ चुका है, ठीक है, आपके पास लेंथ और ब्रेथ का बेस आ चुका है। सपोज कीजिए ये लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ ये आपके पास लेंथ है एंड ये ब्रेथ है। उसके पास आपके पास क्या करना है, सबको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको ये राइट एंगल बनाना है, ज़रूर ये राइट एंगल होगा तभी आपकी ये ड्राइंग सही होगी। बिकॉज जो सभी है इसकी बस वन साइड की आपके पास लेंथ मिलेगी, ये साइड आपको लेंथ होगी, ये लेंथ, क्योंकि ये पूरी ड्रॉ बिल्डिंग है राइट एंगल में ही होगी। अगर आपके पास जितनी भी आपको इसमें वॉल लेते हैं या फिर आपके पास कॉलम का लेआउट करना है, इधर ग्रिड लाइन बनानी है, ये सब अब ऑटोमेटिकली ही राइट एंगल में बन जाएंगे। आपके पास अगर आपने ये राइट एंगल बना लिया ना, ये राइट एंगल बना लिया, तो उसके अंदर जितनी भी ये ग्रिड बनेगी, ये वाले ग्रिड जैसे सपोज़ कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, लेआउट के लिए काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं वीडियो को पूरा बताता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा कुछ, मैं अच्छे से बिल्कुल कम्प्लीटली वीडियो बनाऊँगा मैं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको एक्सकवेशन के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी ये जो मेरी पॉइंट है एक्सकवेशन, EXCAVATION एक्सकवेशन, जो मिट्टी कटिंग है, ठीक है, सोइल कटिंग, सोइल कटिंग के लिए अभी बिल्कुल लैंड सरफेस पर लेआउट बता रहा हूँ मैं, लैंड सरफेस, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो लैंड सरफेस पर जो आपको लेआउट करना है, एक्सकवेशन करना है, कटिंग के लिए लेआउट करना है, वो बता रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सटेंड वो लेवल आना चाहिए उस, आपके क्या है लेंथ एंड ब्रेथ हाइट, अपने पास ये पॉइंट, अपने ये लाइन लेनी, लाइन लेनी है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, अपने बेस लिया, ठीक है, ये बेस आपके पास है, बेस लेने के बाद अपने ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट लेने के बाद आपके पास क्या आता है, आपको इस लाइन पर अपने ये लाइन राइट एंगल बनाना है। आपने देखा वो राइट एंगल बनाने के लिए डायगनल इक्वल टू डायगनल स्क्वेयर, सपोज कीजिए ये बनाना है, तो ए बी एंड सी, आपके पास सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आपने देखा होगा, सॉरी राइट एंगल नहीं है, उसके सी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये रूट अंडर रूट हटाने के लिए, तो यहाँ पे रूट चले गया, ठीक है, रूट, तो ये है इसका सबसे मोस्ट बिल्कुल सिंपल फार्मूला क्या है, बिल्कुल छोटा फार्मूला है, 3² + 4² = 5 ही आएगा, देखो ना बिल्कुल छोटा फार्मूला है, 3, 4, 5 का बिल्कुल छोटा डायगनल निकालने के लिए बहुत अच्छा वे है। आप इसमें मीटर ले लीजिए या फिर फीट ले लीजिए, तो ठीक है, 3 × 3 = 9 + 4 = 16 9 × 16 = 25 = 5 5 का स्क्वायर √5 5 × 5, ठीक है, आपके पास डायगनल आ गया है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, 5 मीटर ले लें। उसका दूसरा फार्मूला 3, 4, 5 का आपके पास राइट डायगनल है, या इसको इसको 3 × 3 ले सकते हैं, या 4 × 4 5 × 5 9 16 25, ये भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं 9 16 25 का से भी, देखिए
ठीक है। ये सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। 25 12 15 का बनता है, 9 12 15 9 12 15 का बनता है। देखो 9 81 12 बार बार फिर 44 4 5 8 12 2 1 2 ठीक है। हाँ 25 15 9 12 और 15 का सपोज़ कीजिए। अब मैं 3 मीटर का ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपने 3 मीटर लिया, यहाँ एक पॉइंट आपने कोई भी पैग लिया, पैग कोई भी पैग गाड़ देते हैं आप। यहाँ पैग से 3 मीटर आपने ये क्रॉस किया, 3 मीटर बिल्कुल ऐसे क्रॉस कर लेना है इस लाइन पर, क्योंकि आपके पास ये लाइन है, इसको क्रॉस कर लेना है। उसके बाद इसी पॉइंट से, इस पैग से आपके पास 4 मीटर निकालना है। फिर तो हमेशा ये याद रखना है, स्टील टेप ही यूज़ करें लेआउट के लिए, या फिर एक्सकवेशन के लिए, या फिर जो मिट्टी कटिंग कर रहे हैं आप उसके लिए, या फिर आप बिल्डिंग का लेआउट कर रहे हैं उसके लिए, या फिर घर जो बना रहे हैं, ब्रिक वर्क आप पास कर रहे हैं, इसके लिए भी आप स्टील टेप का ही यूज़ करें। तो सेंटर पॉइंट मेथड है इसका, सेंटर ब्रिक वर्क के लिए बता रहा हूँ। ये ब्रिक वर्क में भी बहुत अच्छा मेथड है, अगर आप ये लेआउट कर रहे हैं बिल्डिंग एक्सकवेशन के लिए, या फिर आप कर रहे हैं लेआउट अपने घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए भी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। सब आपने देखा होगा ये वाल है, ठीक है, ये वाल है इसके। चलो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बेस, इसके फुटिंग के लिए, ब्रिक वर्क के लिए। तो अब ये लेआउट करने के लिए देख ले, 3 मीटर × 4 मीटर अपने जो अपने बैक पे पॉइंट गाना, पॉइंट गाने के बाद अपने 4 मीटर इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद अपने राइट एंगल बनाना है, उसके बाद ये लाइन, ये पॉइंट अपने इससे मिला दिया, इस पॉइंट से, ठीक है। जब अपने इस यहाँ से, ठीक है, अपने ये 4 मीटर लिया, इससे अपने कोई भी अपनी कील गाड़ी, कोई कील गाड़ने के बाद अपने फीता अपने यहाँ पे रखा, फीता को अपने 4 मीटर नापते हुए अपने यहाँ से क्रॉस कर दिया, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपके पास, अपने यहाँ पे कोई कील ली या फिर कोई पैग अपने यहाँ पे गाड़ दिया है। उसके बाद यहाँ से आप 5 मीटर अपने फीते में 5 मीटर को मेजर करेंगे। 5 मीटर के बाद आपने ऐसे क्रॉस करते हुए ये ले जाना है, जो भी ये पॉइंट क्रॉस करेगा, ये पॉइंट क्रॉस कर आपको उसको इस पॉइंट से मिलाते हुए इसको एक्सटेंड करने देना है। आपके पास जैसे सपोज कीजिए लेंथ मैंने क्या ली थी, 4.20, 4.20 मीटर, इस पॉइंट से आपको 4.20 मीटर पे ये लाइन मिला देनी है, इससे मिलाते हुए इस पॉइंट पर 4 मीटर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ऐसे ही आपने इस पॉइंट पर क्रॉस कर लेना है, इस पॉइंट पर आपके ये लाइन हो गई, या फिर आपने इस लाइन बना लेना है, या फिर इस पे बना सकते हैं अब क्योंकि आपने ये लाइन पॉइंट है, इस पे बना सकते हैं। फिर अब पॉइंट इस पर 3 मीटर, ये आपने 4 मीटर क्रॉस किया अपने ऐसे। फिर यहाँ से पॉइंट 0 पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर आपने पैग या फिर कोई कील गाड़ते हुए आपने ये क्रॉस किया, तो इसको ऐसे मिला दिया, 5 मीटर है ना ये, 5 मीटर आपने फीता पे 5 मीटर निकाला, 5 मीटर से ऐसे क्रॉस किया, 3 4 5 का ये राइट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका अगर आपने पास देखा, आपने देखा ये डायमेंशन बहुत बड़ी है, सपोज कीजिए 20 मीटर लेंथ है और ये 30 मीटर लेंथ है, कोई लैंड है, कोई सर्वे करना है आपको, या फिर खेत की मेजरमेंट करनी है, खेत पे अपना वो करना है, तो उसके लिए सब उससे बड़ा। और हाँ ये भी जरूर चेक कर लेना है अपनों डायगनल, ये डायगनल चेक कर लेना है बहुत साइड का अपने लेआउट करने के बाद। उसके बाद अपने मैंने लेआउट क्या बताया आपके पास, 19 12 एंड 15, 3 × 3 4 × 3 5 × 3, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने 4 × 3 4 × 3 सपोज 5 × 3 5 6 × 3 7 × 3 सॉरी गलत है, यही है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है डायगनल निकालने के लिए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।
याद रखना सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आपके पास कोई भी कॉमेंट है, कोई भी क्वेरी सिविल साइट से इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना है तो लाइक कर देना, डोंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। को मैंने एक्सकवेशन के लिए बता दिया है, अब उसके पास जो भी पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए लेआउट के लिए वो मैं आपको पॉइंट बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।